जय श्री स्वामी नारायण। आज हम कक्षा 4 के लिए हिंदी विषय में एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जैसे कि हमारे देश को वर्तमान समय में या किसी भी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था है वर्तमान समय में, बहुत सारे अधिकारी रहते हैं, पदों पे नियुक्त तो होते हैं, वो चलाते हैं संविधान को ध्यान में रखकर, हर नियमों का ध्यान रखकर। और इसी वजह से हमारा देश राष्ट्र अच्छे से सही तरीके से चलता है। तो इसको हम कहते हैं आज के प्रवर्तमान समय की बात। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, हमारे पूर्वजों के समय की बात करें, तो उस वक्त में अपने राष्ट्र को, राज्य को चलाने के लिए राजा हुआ करते थे। राजा जो कि, जिसकी कहानियां तो बहुत सुनते हो, जिनकी बहुत सारी बातें सुननी आपको अच्छी लगती हैं। तो राजा की अगर बात आए तो आपको एक चित्र तुरंत ही मन में आएगा। राजा है, उसके साथ में कौन होते थे? दरबारी, उनके सलाहकार, जो उनको बहुत सारे निर्णय लेने में मदद करते थे, उनको दरबारी कहते थे, जिनके अंदर बहुत अच्छे गुण थे और इसी वजह से वो दरबारी हुआ करते थे। सबके अलग अलग गुण थे, जो सब मिलकर ये सारे निर्णय लेते थे। लोग जो राज्य में बसते थे वो अपने प्रश्नों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर राजा के पास आते थे और सही न्याय जो राजा थे वो करते थे। बस इस प्रकार का कुछ उस समय पे राज्य चलता था। तो वैसे में कुछ राजा, हर एक अलग अलग राज्य के जो राजा थे, उन सबका स्वभाव एक जैसा तो नहीं होगा बच्चों। वह राजा कोई समझदारी से, धैर्य से निर्णय करते होंगे, कभी कोई क्रोधित हो जाते होंगे, कभी किसी बात से खुद राजा भी हैरान हो जाते होंगे। बहुत सारे प्रश्न उनके सामने ऐसे आते हैं, उनको भी वक्त लगता है, समय लगता है किसी निर्णय को लेने के लिए, उनको भी सलाह की ज़रूरत रहती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो दरबार में हुआ करती थी, बस ऐसा ही आज का हमारा एक एकम है जिसकी हम बात करें। एकम है बकरी का अपराध। कुछ ऐसा प्रश्न किसी राजा के समक्ष आ रहा है और कोई ला रहा है दरबार में, तो उसमें अपराधी कौन है? बकरी। कौन है? बकरी। तो इसीलिए इस एकम का नाम है बकरी का अपराध। हमारा यह तीसरा एकम है। अब बच्चों आपको लगेगा कि यह सारे प्रश्न, समस्याएं तो इंसान लेकर आते हैं, राजा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उनका निर्णय या न्याय उनको मिलता है। अभी एकम में बकरी की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं जिसकी कहानी करने जा रही हूँ, जैसे कि आपने बहुत बार ये सारी कहानियाँ सुनी होगी अकबर बीरबल की। अकबर राजा थे जिनके सलाहकार थे, निर्णय लेने में मदद करते थे, वो थे बीरबल। तेनाली रामा थे, चाणक्य थे, ये बहुत सारे राजाओं के पास जाकर उनको बहुत सलाह अच्छी देकर उनके निर्णय में उनको मदद करते थे, जिनकी बहुत कहानियाँ आप सुनते हो और जिससे आप बहुत प्रभावित होते हो, मज़ा आता है आपको, बहुत अच्छे मैसेज मिलते हैं उससे आपको। तो ऐसी एक कहानी तेनाली रामा की, जो कि विजयनगर राज्य के राजा के पास सलाहकार थे। अब अगर हम बात करें कृष्णदेव राय राजा की, तो उनका जन्म
1509 में हुआ था और 1529 तक उन्होंने राज्य चलाया था कृष्णदेव राय ने। पर उनकी पीढ़ियों का, उनके पूर्वजों का तो यहाँ पर विजयनगर में, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, यहाँ पर राज्य चल रहा था उनसे भी पहले 1350 से लेकर 1565 तक, मतलब उनके पहले भी और उनके बाद भी यहाँ पे उनका राज्य था। विजयनगर में राजाओं का राज्य था, उन्हीं एक ही परिवार के राजाओं का। यह राजा बड़े शक्तिशाली राजा थे और उनका महान साम्राज्य था, विजयनगर में उनका महान साम्राज्य था। अब अगर हम बात करें इन कृष्णदेव राय जो कि राजा थे, उनकी, जिनके सलाहकार थे तेनाली रामन, तो वह राजा घूमने के लिए किसी स्थल पर जाते हैं भारत भ्रमण के लिए, तब जाते हैं वह कश्मीर की ओर। कश्मीर की ओर जाकर वह बहुत सारी जगह घूमते हैं। वापस आते वक्त उन्हें एक अच्छा सा पौधा पसंद आ जाता है, उसके फूल, सुनहरे फूल जो थे वो उन्हें बहुत पसंद आते, और इसी वजह से वहाँ से वो पौधा उठाकर लेकर आते हैं। और जब वो वापस आते हैं अपने राज्य में, तब वह अपने उद्यान के, अपने बगीचे के जो माली थे उनको बुलाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरा कक्ष, मेरा कमरा, यहाँ से मैं जब खिड़की खोलूँगा तब सुबह होते ही मैं उसको अच्छे से सीधा देख पाऊँ, वैसी जगह पर कहीं सीधा दिखे, वैसी ही जगह पर कहीं इस पौधे को लगाना, क्योंकि वह उनको बहुत प्रिय थे। उनको देखना कृष्णदेव राय को बहुत अच्छा लगता था, वो प्रिय पौधा था। बस इतना कहकर माली वहाँ से चला गया, उसने हाँ बोलकर अपना काम शुरू कर दिया, वहाँ पे पौधा लगाया। थोड़े दिनों में उसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आने लगे। इन फूलों को देखकर हर रोज़ राजा अपनी खिड़की खोलते, सुबह में एक बार उसको बहुत अच्छे से देखकर खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। और फिर ये रोजाना का उनका कार्य हो गया, उठना, उसको देखना, खुश होना, प्रसन्न होना, माली की प्रशंसा करना। बस माली अपना काम किए जा रहा था, देखभाल किए जा रहा था। और यह एक और दूसरी बार जब ये पौधा इन्होंने, राजा ने माली को दिया, तब बोला था, खास करके इतना बोला था कि अगर यह पौधा नहीं तो तुम भी नहीं, क्योंकि यह पौधा मुझे बहुत ही प्यारा है, इस पौधे को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। इतना पूरा ध्यान उसको रखना, पूरी देखभाल इस पौधे की रखना, ठीक है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चला, राजा उसको देखते रहे, प्रसन्न होते रहे, माली अपना काम करता रहा, बहुत दिल से, जी जान से करता। और फिर एक दिन जब माली की बकरी इस उद्यान में आ जाती है, बगीचे में आ जाती है, तब ये पौधे को खा लेती है, पूरा पौधा खत्म। और यहाँ पर माली तो बहुत चिंतित हो गया। जैसे ही अगले दिन राजा ने अपनी खिड़की खोली और उसको ये पौधा नहीं दिखा, तब बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में माली को बुलाया गया और कहा गया कि मुझे कोई दलील नहीं सुननी आपकी, ये मेरा पौधा मेरी जगह पर, जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पर नहीं है, तो आपको मृत्यु दंड सुनाया जाता है। बस यह कहकर
माली को वहां से हटाया गया, उसकी एक भी दलील, उसकी एक भी बातचीत नहीं सुनी गई। यहां पर इस बेचारे माली की पत्नी जो थी, यह समाचार सुनकर, यह बात संदेश सुनकर बहुत ही दुखी दुखी हो गई और उसे लगा कि इस प्रकार तो मेरे पति को मृत्युदंड हो जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, हमारा जीवन दुखी हो जाएगा, मेरे पति को मृत्युदंड हो जाएगा, यह सोचकर उससे रहा नहीं गया। और वह यहां पर उसका पति तो माली तो कैद था और राजा के पास यह उसकी पत्नी मालिन आकर दुआ मांग रही है, अपने बच्चों को दिखा के कह रही है कितने छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी अगर आप उनकी एक भी बात सुने बगैर उनको मृत्युदंड दे देंगे। बस उनकी एक भी बात सुनने में नहीं आई, उतने में वहां पे दरबार में तेनालीरामा भी मौजूद थे। इसकी एक भी बात, मालिन की बात जब राजा ने नहीं सुनी तो तेनालीरामा खड़े हुए और चुपके से शांति से उस मालिन के कान में कुछ कहकर आ गए और उसको वहां से घर जाने के लिए कह दिया। यह मालिन घर चली गई चुपचाप। दूसरे ही दिन पता नहीं तेनाली रामन ने उसको कान में जो भी कहा हो, दूसरे दिन मालिन ने क्या किया, मालिन अपनी उसी बकरी को लेकर घाव में जगह जगह पर, जहां पे उसको ज्यादा लोग देखने मिले ऐसी हर जगह पर जाकर खड़ी हो गई, बीच में चौराहे में खड़ी हो गई और उस बकरी को जोर जोर से मारने लगी, पीटने लगी, लकड़ी लेकर पीटा, हाथों से पीटा, पीटने लगी। तब सारे लोग ये देख नहीं पाए, गांव के लोग, और यह संदेशा इतना फैल गया कि ये पागल हो चुकी है, इस प्रकार वो वर्तन कर रही है, बहुत दुर्व्यवहार कर रही है इस निर्दोष प्राणी के साथ, उसको पीटे जा रहे, मर जाएगी वो। तो यह संदेशा राजा को पहुंच जाता है और उसको भी बुलाया जाता है। राजा उन्हें कहते हैं कि बहन ये आप क्या कर रही है, आप, मैंने सुना है आप इस बकरी को चौराहे पे ऐसे ही पीट रही है, निर्दोष है, उसका क्या दोष है, उसने ऐसा क्या अपराध किया आप उसको पीट रही है, जबकि हमारे विजयनगर में कृष्णदेवराय राजा उस मालिन को क्या कहते हैं, हमारे विजयनगर में प्राणियों को पीटना यानी एकदम बड़ा, बहुत बड़ा अपराध है, निर्दोष प्राणियों को एक जन भी यहाँ पे पीट नहीं सकता, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं नहीं चलाऊंगा, तुम्हें भी सजा होनी चाहिए। तब उसके उत्तर में ये मालिन कहती कि मैं उस माली की पत्नी हूँ राजा, एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही, मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनिए तो सही, मैं उसी मालिन की पत्नी हूँ, माली की पत्नी हूँ, मैं मालिन हूँ और यह मेरी बकरी है जिसने ही आपका पौधा खाया और जिस पौधे को खाने की वजह से आज मेरे पति मृत्युदंड उनको मिलने जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसको मार रही हूं, मैं इसको नहीं मारूंगी तो और क्या करूंगी, मेरे घर को इतना बड़ा दुख आया है वो इसकी वजह से आया है, जो सहन करना पड़ रहा है, जो झेलने पड़ रहे हैं हमें दुख, वो इस बकरी की वजह से हुआ है, तो मैं इसके ऊपर गुस्सा हूं और उसको मार रही हूं। बस इतना ही सुनकर, राजा एकदम चुप रह गए और उनको सारी बात समझ में आ गई, उनको यह बात सारी अच्छी तरह से समझ में आ गई।
उन्होंने सिर्फ उस मालिन को एक ही प्रश्न किया कि आपको यह सलाह किसने दी है, आप मुझे उतना बता दीजिए। उसने साफ साफ बताया कि कल जब मैं आपके पास दुआ मांग रही थी, भीख मांग रही थी मेरे पति के जीवन की, तब आपने जब मुझे मेरी बात को अनसुना कर दिया था, मुझे उत्तर नहीं दिया था, तब मुझे आपके सलाहकार तेनाली रामा ने ये बताया था। राजा ने कहा कि तुम्हें ये करने के लिए जिसने बताया उसका नाम दो। नाम प्राप्त करके राजा ने तेनाली रामा का सम्मान किया, पुरस्कृत किया उनको। तो बच्चों क्यों किया, ऐसा क्या किया था तेनाली रामा ने? यस, उनका कोई रोल ही नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी सलाह दी थी। देखो वो कैसे सलाहकार थे। यस, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर आपके पति को बिना किसी गुनाह के मृत्यु का दंड हो रहा है, तो राजा को समझाने का एक ही तरीका है, आप भी बकरी के साथ वो करो। असल में उसने बकरी को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई थी, वो सिर्फ एक नाटक था राजा को संदेशा पहुंचाने के लिए। तो ये विजयनगर जो ऐसा था, जिसके राजा ऐसे थे, जिनकी सोच इतनी अच्छी थी, जो प्राणियों के लिए इतना सोचते थे, सिर्फ उनको ज़रूरत थी एक सही निर्णय की, सही मार्ग की, जो कि उनके दरबारी ने, तेनाली रामन ने, उनके सलाहकार ने उनको दिखाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, धैर्यपूर्वक शांति से किसी की बात सुननी चाहिए, जो भी हमसे बात कर रहा है, जो भी शायद हमसे कुछ कहना चाहता है, उस व्यक्ति की पहले धैर्यपूर्वक बात सुननी चाहिए और फिर उत्तर देना चाहिए। दूसरी एक बात बच्चों, यही कि राजा के साथ कौन था, तेनाली रामा, जो बहुत अच्छा सलाहकार था और मित्र भी। इस प्रकार हमें भी ऐसे मित्र रखने चाहिए जो हमें बुरे निर्णय, गलत निर्णय लेने से रोके, सही निर्णय में मदद करें। तो यह बहुत सुंदर कहानी थी जिससे हमने बहुत अच्छे मैसेजेस प्राप्त किए। तो बच्चों, ये कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हम उत्तर अभी साथ में, आप भी मेरे साथ में लिखोगे। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखोगे, बकरी का अपराध। यस, किसका अपराध था? बकरी का। लेकिन वो अपराध नहीं था, वो तो निर्दोष है, वो तो प्राणी है, उसको कुछ पता नहीं है कि ये चीज़ किसकी बहुत पसंदीदा चीज़ है, बहुत मनपसंद चीज़ है। उसको तो हर चीज़, उसके हर पौधे उसको अपने ग्रास जैसे लगेंगे। हरी घास वो खा रही है, वो राजा का मनपसंद पौधा खा रही है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। तो वो निर्दोष थी, बिल्कुल भी अपराधी नहीं थी। तो हम देखें इन शब्दों के अर्थ। सबसे प्रथम है लगाव। राजा जब घूमने गए थे, कहाँ घूमने गए थे बच्चों? यस, कश्मीर घूमने गए थे, तब उनको जो पौधा अच्छा लगा था, इसलिए यहाँ पे शब्द है लगाव, वो उनको बहुत पसंद आ गया था। लगाव यानी संबंध या अटैचमेंट, बहुत अच्छा लगना। यस, सेकेंड इज कक्ष। कक्ष यानी कमरा। राजा ने अपने कक्ष के सामने पौधे को लगाने के लिए कहा था, कक्ष यानी कमरा। आदेश यानी आज्ञा। राजा ने पौधे को अपने कक्ष के सामने लगाने की आदेश दिया था या आज्ञा दी थी? आदेश दिया था या आज्ञा दी थी? यस, हैरान। हैरान यानी दंग रह जाना।
हैरान होना यानी दंग रह जाना। जब राजा को वो पौधा अपने कक्ष के सामने नहीं दिखा तो बहुत हैरान हो गए, परेशान हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ बहुत बुरा लगा कि अपनी मनपसंद की चीज़ अभी सामने नहीं। हैरान यानी दंग। नेक्स्ट है दंड। दंड यानी सजा। राजा ने दंड देने का निर्णय लिया था जब वो क्रोधित थे, जब वो गुस्से में थे, तब उन्होंने बिना बात सुने माली को दंड देने की या सजा देने का निर्णय लिया था। इनकार, अस्वीकार। जब माली की पत्नी दुआ मांगने, अपने पति का जीवन मांगने आई थी, तब राजा ने उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया था। तो इनकार यानी अस्वीकार, स्वीकार नहीं करना, बात नहीं सुनना। निर्दयता। निर्दयता यानी क्रूरता। क्रूरता क्योंकि उस वक्त अपनी चीज़, अपनी पसंद की चीज़ चली जाने की वजह से राजा जो फील कर रहे थे, जो अनुभव कर रहे थे, इसलिए उनको यहाँ पे निर्दयी कहा गया कि उनको माली की तरफ से उन्होंने सोचा ही नहीं, उनको वो दोषी ही लग रहा था, उनको वो गुनहगार अपराधी लग रहा था, इसलिए उनका हृदय अभी थोड़ी देर के लिए कैसा हो गया था, क्रूर हो गया था, निर्दय हो गया था। उन्हें उसके जीवन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, माली के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, इसलिए निर्दयी यानी क्रूर। अवहेलना। अवहेलना यानी अनसुना करना, जिसको अच्छे से, अच्छे तरीके से नहीं सुनना। तो अगेन ये सेम वर्ड आएगा, अपेक्षा। अच्छा सॉरी, उपेक्षा। उपेक्षा करना यानी अवहेलना करना, अनसुना करना, ध्यान नहीं देना। जधन्य। धन्य यानी अच्छा काम करना, बहुत अच्छा कार्य करना, जबकि जधन्य यानी बुरा कार्य करना, अपराध करना। तो विजयनगर में निर्दोष प्राणियों को थोड़ा सा भी मारना, उनको नुकसान पहुंचाना, वो जधन्य अपराध था, यानी बहुत बड़ा अपराध था। इसीलिए यहाँ पे बहुत गंदा काम या फिर अति निंदनीय, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जधन्य यही बहुत बुरा कार्य। बहुत बुरा काम करना। नेक्स्ट है बुद्धि। बहुत सिंपल, समझदारी। यस। उपाय, तरकीब या तरीका। यस बच्चों, इस समस्या का उपाय, तरकीब किसने निकाली थी? तेनाली रामा ने, उनको मालिन को कान में कुछ बताकर, सलाह देकर। तो ये हुए हमारे कठिन शब्द, जो आप अपनी कॉपी में टॉपिक के नाम के बाद कठिन शब्द डालेंगे, और फिर एज ए होमवर्क मैं आज आपको दे रही हूँ प्रश्नों के उत्तर, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। महाराजा कृष्णदेव राय को किससे बहुत लगाव था?
महाराजा कृष्णदेव राय को किससे बहुत लगाव था? क्वेश्चन सेकंड, महाराजा को कौन सा पौधा बहुत पसंद आया था? आपको उसका रंग याद होना चाहिए बच्चों। महाराजा को कौन सा पौधा बहुत पसंद आया था? यस, क्वेश्चन थर्ड, महाराजा ने पौधे की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विजयनगर में किसे पिटना जघन्य अपराध माना जाता था? यस, ओके बच्चों, तो ये एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे एज ए होमवर्क, और इसके आंसर अच्छे से रचना में, पूरे वाक्य में लिखेंगे, ना सिर्फ एक शब्द में। ओके, जय श्री स्वामी नारायण, नमस्ते।